So today is moving on with the 8th chapter on saying please. कल हमने देखा था लिफ्ट मैन का एग्जाम्पल कि किस तरीके से लिफ्ट मैन के मॉरल वैल्यूज हर्ट होने से उन्होंने फिजिकल असॉल्ट कर लिया था, जहाँ पे फिजिकल असॉल्ट करना एक पनिशेबल ऑफेंस है, वेयर एज मॉरल वैल्यूज को हर्ट करने के लिए कोई भी लॉ नहीं है. अब आगे देखते हैं कि ऑथर को और क्या कहना है. ठीक है, कि कल हमने देखा था कि हम अज्यूम कर रहे थे कि जो पैसेंजर है वो घर जाके अपनी वाइफ पर अपना गुस्सा निकालेगा, है ना. अब देखते हैं कि लिफ्ट से निकलने के बाद वो जो पैसेंजर था उसने क्या किया होगा. फॉर देर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स व्हेन सर एंथनी एब्सोल्यूट बुलेट कैप्टन एब्सोल्यूट द लेटर वेंट आउट एंड बुलेट हिज मैन फैग. Whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. Probably the man who said talk to the lift man was really only getting back to his employer who had not said good morning to him because he himself had been handpicked at the breakfast by his wife to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. We infect the world with our ill humors. Bad manners probably do more to poison the stream of the general life then all the crimes in the calendar. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक चेन है, एक सर्कल है. अगर कोई हमसे बैड बिहेव करेगा तो उसका असर होगा, हम दूसरे पर्सन से उसी तरीके से बैडली बिहेव करेंगे. दूसरा पर्सन क्या करेगा, उसे इंसल्टेड फील होगा, वो थर्ड पर्सन से बैडली बिहेव करेगा. थर्ड पर्सन क्या करेगा, उसे इंसल्टेड फील होगा, फोर्थ पर्सन से बैडली बिहेव करेगा. इस तरीके से चेन चलती रहती है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सर एंथनी एब्सोल्यूट है वो क्या किया, उन्होंने बिली किया है कैप्टन एब्सोल्यूट को. ठीक है, अब एंथनी एब्सोल्यूट ने इंसल्ट किया कैप्टन एब्सोल्यूट को. अब कैप द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, दैट इज कैप्टन एब्सोल्यूट. कैप्टन एब्सोल्यूट क्या करे, वहां से चले गए, वहां जाके उन्होंने उनका जो पर्सनल आदमी था, उनका सबॉर्डिनेट था फैग को उन्होंने इंसल्ट किया. अब फैक क्या करता है, फैक डाउनस्टेयर्स जाता है, नीचे जाकर वो पेज बॉय को किक कर देता है. अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोबेबली द मैन, अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो मैन था, जो कि टॉप लिफ्ट मैन से टॉप कहा था, टॉप प्लीज नहीं कहा था, वो वही चीज कर रहा है अपने एम्प्लॉयर के साथ. ठीक है, वो बॉस है जिसने टॉप कहा था, टॉप प्लीज नहीं कहा था, उसे लिफ्ट मैन ने लिफ्ट के बाहर निकाल दिया, तो उसका गुस्सा वो क्या कर रहा है, अपने ऑफिस के पर्सन पे निकाल रहा है, अपने एम्प्लॉयर्स पे निकाल रहा है. क्यों निकाल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा. ठीक है, अब जो एम्प्लॉयर है वो गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा होगा, हो सकता है कि जब वो घर पे था तो उसकी ब्रेकफास्ट के टाइम पे उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ ने बहुत बुरा बुरा कहा होगा. जनरली जो वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो थोड़ा कन्वर्सेशन हो जाता है, जो थोड़ा झगड़ा और हो जाता है, उसको हैंडपिक्ड कहते हैं. ठीक है, तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर है उसने अपने बॉस को गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं कहा क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पे उसका उसकी वाइफ से झगड़ा हो गया है. उसकी वाइफ ने क्यों झगड़ा कर लिया, क्योंकि जो उनकी मेड है, उनकी मेड ने पलट के जवाब दे दिया, तो उसे गुस्सा है कि वो मेड होकर मुझे पलट के जवाब दे रही है, तो उसका गुस्सा उसने अपने हस्बैंड पे निकाला. वो हस्बैंड क्या है, जो एम्प्लॉयर वो अपने बॉस को गुड मॉर्निंग नहीं कहता है. गुड मॉर्निंग नहीं कहता है तो उसका बॉस वही पर्सन है जो कि लिफ्ट मैन लिफ्ट से बाहर फेंका गया था. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट कर रहे हैं हमारे इल ह्यूमर्स से, कि अगर एक जन ने कोई मिसबिहेव किया तो हम उसका असर, हम वही चीज पास ऑन करते रहते हैं. ठीक है, सो जितना ज्यादा क्राइम से पॉइजन नहीं स्प्रेड होता है वर्ल्ड में, उससे ज्यादा पॉइजन स्प्रेड हो जाता है इल मैनर्स से. ठीक है, तो इस वजह से हमेशा हमें अपने मैनर्स, अपने बिहेवियर को कर्टेरियस रखना है, ना कि डिसकर्टेसी को फॉलो करना है. तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है कि चीजें गोल गोल घूम रही है. एक चीज ने हर्ट, एक पर्सन को हर्ट हुआ, वो दूसरा पर्सन को कर रहा है, दूसरा तीसरे पर्सन को कर रहा है. अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है. For one wife who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are a hundred who live a life of martyrdom under the shadow of morose temper. But all the same, the law cannot become the guardian of our private manners.
So Jackalope could cover the vast area of offense, and no court could administer a law which governed our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our mood and manners. अब जो है यहाँ पे वो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक वाइफ है जिसकी आंखों के नीचे ब्लैक सा हो गया है. क्यों हो गया है? क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे मारा. हस्बैंड जो कि अदरवाइज गुड नेचर का है, वैसे वो अच्छे नेचर का है, लेकिन तभी वो कहीं कभी कभी अपने वाइफ को मार के ऊपर हाथ उठाता है. क्यों उठाता है? वो लिव लाइफ ऑफ अ मैट्रिडम. मैट्रिडम होता है ग्रेट सफरिंग, जो कि अपने आप में ही सफर कर रहा है, पता नहीं किसी चीज का उसके माइंड में टेंशन है. अंडर द शेडो ऑफ मोरोस टेम्पर. मोरोस टेम्पर क्या होता है? सैड टेम्पर. ठीक है, तो कह रहा है कि वैसे हस्बैंड का नेचर तो अच्छा है, लेकिन वो अपने ही परेशानी में रहता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन वो अपनी वाइफ पर निकाल देता है, जिससे वो अपने वाइफ पर हाथ उठाता है. लेकिन जो भी हमारे प्राइवेट मैनर्स होते हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, इन सब के लिए हर वक्त कोर्ट हमारा गार्डियन नहीं बन सकता है. ठीक है, नो जैकलॉक. जैकलॉक होता है इट्स जस्ट एन अनदर नेम ऑफ 10 कमांडमेंट्स. ठीक है, जो कमांड हमें मिलते हैं. ओके, अब जो है कोई भी कोर्ट में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना है जो कि हमें गवर्न करें. लॉज होते हैं हमें गवर्न करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना है जो गवर्न करता है हमारी सोशल सिविलिटीज़ को, हमारी स्पीच को. अगर हम बात करते हैं गुस्से में देख रहे हैं, अपने आईब्रोज को उठा रहे हैं, हमारे मूड, हमारे मैनर, इन सारी चीज़ों के लिए कोई भी लॉ नहीं बना है, ना ही कोई ऑफेंस है. ये सब हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना ज़्यादा सिविलाइज्ड बना रहे हैं. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, अगर ये बात नहीं है कि अगर इसके लिए लॉ नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, तो हम जिस तरीके से चाहे किसी से भी बिहेव कर सकते हैं. बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लेफ्ट मैन, मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टेन सिंपैथी विद हिम. व्हाई इट इज ट्रू दैट देयर इज नो लॉ दैट कंपेल्स अस टू से प्लीज, देयर इज अ सोशल प्रैक्टिस मच ओल्डर एंड मच मोर सेक्रेड देन एनी लॉ व्हिच एंजॉयज अस टू बी सिविल. And the first requirement of civility is that we should acknowledge a service, please and thank you are the small change with which we pay our way as social being. Now, अगर हम लिफ्ट मैन की बात करें तो हो सकता है कि हमें sympathy feel हो लिफ्ट मैन के लिए, क्योंकि उसे hurt हुआ है, उस person passenger ने उसे please नहीं कहा है ना. लेकिन कहीं अगर हम उसके लिए सिंपैथी है, तो एक ये भी सच है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है जो हमें प्लीज कहने के लिए फोर्स करें. ठीक है, पैसेंजर ने प्लीज नहीं कहा क्योंकि उसकी मर्जी थी, क्योंकि वो लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आपको टॉप प्लीज ही कहना है. लेकिन तब भी लिफ्ट मैन को उस चीज पे हर्ट हुआ, इस वजह से उसने फिजिकल असॉल्ट कर लिया था. लेकिन ये एक हमारी सोशल प्रैक्टिस होती है. ठीक है, हम कितने ज्यादा सेक्रेड हैं, हम कितने ज़्यादा सिविल हैं, ये बताता है फ्रॉम द वे वी टॉक. ठीक है, अगर वो पैसेंजर प्लीज कह भी देता तो भी उसको कोई लॉस नहीं होना था. राइट, एंड फर्दर एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस. सो अगर हमें सिविल बनना है तो हमें सिविल बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जहाँ की हम लोगों से प्लीज, थैंक यू, सॉरी ऐसे वर्ड्स अगर बोलेंगे तो छोटे छोटे करके सोशल लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, ऑल्दो कोई लॉ हमें ये नहीं कहता कि हमें सॉरी या प्लीज कहना है, लेकिन ये हमारे सिविल मैनर्स होने चाहिए कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं. अगर हम प्लीज कह देते हैं, हो सकता है सामने वाले पर्सन का दिन अच्छा हो जाए, है ना. और ऐसे ही कहने से छोटे छोटे चेंजेस सोसाइटी में आएंगे. अगर आज हम बोलेंगे, हमें देखकर कोई दूसरा पर्सन सीखेगा, उसे देखकर के कोई और चार लोग सीखेंगे, उन्हें देखकर के और कुछ लोग सीखेंगे. इस तरीके से शुरुआत हमें करनी है, जहाँ पे हमें सिविल रहना है. ठीक है, हमें प्लीज, सॉरी, थैंक यू ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए अपने कन्वर्सेशन में, ताकि सामने वाले को थोड़ा सा रेस्पेक्टेड फील हो सके. देयर आर द लिटिल कर्टेसीज बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली.
They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superior dictation to inferior. It is very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment. I should not like to feature in this connection, my friend, the polite conductor. अब जो है फर्दर पोएट यहाँ ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि बस कुछ ही ऐसे कर्टसी वाले वर्ड्स हैं, मैनर्स हैं, बिहेवियर हैं, अगर वो कुछ चीज़ें हम अपनी लाइफ में ला लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तब जो लाइफ है हमारी काफ़ी स्मूथ तरीके से चल जाएगी। जैसे कि मशीन है, मशीन में ऑयल डालने से मशीन कैसे स्मूथली चलती है बिना अटके, उसी तरीके से हमारी लाइफ भी स्मूथली चलेगी। नाउ अभी हम पर है कि हम कितना ज़्यादा फ्रेंडली कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से, और हम किस तरीके से सुपीरियर और इन्फीरियर के बीच का डिस्टिंक्शन नहीं रखेंगे, बड़े और छोटे का अंतर नहीं करेंगे। अगर हम बड़े और छोटे का अंतर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज वल्गर हो जाएगी। तो उस चीज़ को हमें रोकना है और हमें हर किसी से पोलाइटली बात करना है। अब यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं पोलाइट बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर। I should like to feature in this connection, my friend, the polite conductor. अब जहाँ पर ये सारी बातें हो रही है moral values की, वहाँ पे poet, वहाँ पे author जो है एक conductor के साथ उनका incident हुआ था, उसके बारे में वो बताना चाह रहे हैं। तो अब ये देखिए कि बातें कितनी ज़्यादा like inverse हैं एक दूसरे से। अभी हमने देखा negativity की please नहीं कहने से कितना सारा हो गया कि उसने किक कर दिया, वो जाके अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाल रहा है, वो सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। तो वहीं अगर हम पोलाइट रहते हैं तो सब कुछ कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है। इसका एक एग्जांपल और यहाँ पे आपको दिया गया है। बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली। ऑन द कॉन्ट्रेरी आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मैन हु कम थ्रू द ऑडियंस ऑफ very trying calling better than bus conductors do. Here and there you will meet an unpleasant spaceman who regards the passengers as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by loud voice and an aggressive manner. But this type is rare than it is used to be. I fancy the public owes much to the Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standards be observed. So now यहाँ पे author बता रहे हैं about a bus conductor, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो bus conductor होते हैं generally जो पैसेंजर बस में चढ़ते हैं वो उनके दुश्मन होते हैं, जो कि हमेशा उन्हें चीट करना चाहते हैं कि टिकट लेने के बदले कह देते कि हमारे पास टिकट का पैसा नहीं है, हम वॉलेट भूल आए हैं। तो जनरली जो बस सर्विसेज होती हैं उनमें जो कंडक्टर्स होते हैं वो हमेशा रूड होते हैं पैसेंजर्स के टूवर्ड्स, हमेशा वो चीखते हैं, रूडली बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पैसेंजर्स बस में आ रहे हैं वो उनके दुश्मन हैं, वो हमेशा उन्हें चीट करना चाहेंगे। इस वजह से कंडक्टर्स हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंसिडेंट्स वो बताए जा रहे हैं और बहुत बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन है, ऐसा कहीं देखना नहीं मिलेगा। अब इससे पहले कि वो इस इंसिडेंट्स पे जाएं, ऑथर अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी को पूरी तरीके से दिल से थैंक्स कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी जो है वो बसेस भी चलाती है, ठीक है। अब जो है जो बसेस चलाती हैं तो वो जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। In doing this, it not only makes things pleasant for the traveling public, but performs an important social service. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. अब जो है यहाँ पे author further कह रहे हैं कि जो public transport होते हैं, buses होते हैं, ये भी अपने आप में एक social service है जो कि passengers के लिए बनी है, passengers के benefit के लिए बनी है। तो ऐसी कन्वेंस में भी हमें किसी से अनफ्रेंडली नहीं होना है। जो कंडक्टर्स हैं हम जो हैं, हमें कंडक्टर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें प्यार से बात करना चाहिए, हमें कंडक्टर्स से भी अनफ्रेंडली नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे पोए ऑथर जो हैं
अपना ट्रिब्यूट पे करते हैं सारे बस कंडक्टर्स को, सारे ऐसे पर्सन्स जो कि सोशल सर्विस करते हैं। अब आके यहाँ पे ऑथर इंसिडेंट्स बता रहे हैं कि जो बस कंडक्टर की बात वो कर रहे हैं तो एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था, ठीक है, वो इंसिडेंट्स यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं। I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which is discovery, which the discovery arouses. You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes, I know that stale old trick. Now then, off you get, and even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. अब यहाँ पे author अपना bus का incidents वहाँ पे बता रहे हैं कि एक दिन उनके साथ हुआ था कि वो बस में चले गए थे, बस में बैठने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ किया कि वो घर तो छोड़ दिए लेकिन बिना पैसों के, उनके उनके पॉकेट में बिल्कुल भी पैसे नहीं, वो पैसे रखना भूल गए और ऐसे ही आके बस में बैठ गए। अब जो है ऐसे हर किसी के साथ एक्सपीरियंस होता है कि वो कभी ना कभी होता है कि वो अपने वॉलेट घर में भूल जाते हैं और वो फिर चेंज छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग होती है उनमें, और कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि अब जो कंडक्टर है वो उनकी इंसल्ट करके धक्के मार के बस से बाहर निकाल देगा। और अगर कंडक्टर थोड़ा सा पोलाइट है, वो धक्के मार कर गुस्सा करके बस से नहीं निकालेगा, इजीली आपको बस से उतार देगा, तब भी आपको इनकन्वीनियंस ही फील करनी है क्योंकि आपको दोबारा से अपने घर जाना पड़ेगा, पैसे लेना पड़ेगा, फिर दूसरी बस लेकर जाना पड़ेगा। इतनी देर में हो सकता है कि आपकी ट्रेन छूट जाए या जिस काम के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हो, वो पर्पज़ में आप लेट हो जाए। ऐसा ही ऑथर के साथ हुआ था कि वो पैसे रखना भूल गए थे, उन्हें लग रहा था कि कंडक्टर बोलेगी कि हाँ ये तो वही पुराना रीज़न है जो हर कोई देता है। लेकिन यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ था, जस्ट रीजन फाइंड आउट। हैविंग सर्च माय पॉकेट्स इन वेन ऑफ स्ट्रे कॉपर एंड हैविंग फाउंड आई वाज And having found I was utterly penniless, I told the conductor with an honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. Oh, you need not get off, that's all right, said he. All right, said I, but I haven't a copper with me. Oh, you'll book here through, he replied. Where do you want to go? He handled his bundle of tickets in the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. अब जो है, अब ऑथर बस में बैठने के बाद अपनी सारी पॉकेट्स चेक कर रहे थे कि कुछ तो कॉपर कॉइन्स उनके पॉकेट से निकल जाए, लेकिन उन्हें ये चीज़ होती है कि बिल्कुल पेनीलेस है, एक पैसा भी उनके पॉकेट में नहीं था। अब वो बहुत ही ऑनेस्ट फेस, जितना ऑनेस्ट फेस बना सकते थे उतना ऑनेस्ट फेस बना के कंडक्टर को देख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि इस तरीके से वो शो कर रहे हैं बताते हुए कि वो पैसे लाना भूल गए और वो बस से उतर के चले जाएंगे पैसे लाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर, क्योंकि वो नॉर्मल बिहेवियर था कि अगर किसी के पास टिकट के पैसे नहीं है तो कंडक्टर बस से उतार देते हैं, तो पोएट इससे पहले कंडक्टर कहे और फिर वो खुद ही कह रहे थे कि वो बस से उतर जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो पैसे लाना भूल गए। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर इतना ज़्यादा पोलाइट था, वो कह रहा था कि नहीं ठीक है, तो मैं बस से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप बताओ आपको कहाँ की टिकट लेना है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि लेकिन उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है टिकट देने के लिए, तो फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे बाद में लौटा देना, अभी बताओ आपको कहाँ की टिकट चाहिए। अब जो है वो जो टिकट्स का बंडल होता है वो निकालते हैं बाहर और ऑथर ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि जो कंडक्टर हैं वो ये जानते हुए भी कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, फिर भी वो उन्हें टिकट देने के लिए रेडी हो गए हैं। और ये जो उनका बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा ऑथर को पसंद आया था। I said it was very kind of him and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket, I said, but where shall I send the fare? Oh, you'll see me someday, all right, he said cheerfully. I as he turned to go.
and then luckily my fingers still wandering in the corners of my pocket lightened on a shilling and the account was squared. अब जो है ऑथर पूछते हैं कि लेकिन मैं आपको पैसे कहाँ और कैसे लौटाऊंगा टिकट के, तो कंडक्टर कहता है कि कभी ना कभी तो हम मिलेंगे, उस टाइम पर तुम मुझे पैसे दे देना। अब जो है ये सुनकर ऑथर खुश तो हो गए थे लेकिन तब भी कंटिन्यूसली अपने पॉकेट सर्च कर रहे थे कि क्या कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो पैसे निकल जाएंगे। लकीली उनके पॉकेट में कुछ कॉइन्स, उन्हें कॉर्नर ऑफ पॉकेट में कुछ कॉइन्स उन्हें मिल गए थे जो कि उनके टिकट के लिए सफिशियंट हो गए थे। अब उन्होंने फाइनली, ऑल्दो कंडक्टर ने कह दिया था कि ठीक है पैसे बाद में दे देना, पर तब भी पॉकेट के कॉर्नर में ऑथर को पैसे मिलते हैं और वो पैसा उन्हें देकर जो अकाउंट है वो क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से पोलाइट रहने से भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे आगे कि इसके बाद क्या हुआ। जैसे कि हमने पहले इंस्टेंस में देखा कि कंडक्टर ने बस से धक्का देकर बाहर निकाल दिया एंड ऑल, तो उनका डे कितना डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ हुई है, कंडक्टर के बिहेवियर से ऑथर का डे अच्छा हो गया। अब आगे उनके साथ और क्या हुआ ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप क्लियर, इट इज़ क्लियर टू ऑल।